सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई फाइनली तुम्हारे भाई को मिल चुका है BGMI पार्टनर का टाइटल। और टाइटल मिलता भी कैसे ना यार, मतलब तुम लोग इतना ज्यादा प्यार करते हो मुझे और मेरे गेम प्ले को कि भाई BGMI वाले भी मजबूर हो गए मुझे अपना पार्टनर बनाने के लिए। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई मेन अपार्टमेंट में पूरी की पूरी एक स्क्वाड थी, तो मैं यहाँ पे साइड वाली बिल्डिंग में आके गाड़ी रोक देता हूँ, पर तभी ये बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। अब यहाँ पे तीन बंदे तो मैंने नॉक कर दिए थे, बाकी के यहाँ पे पता नहीं कहाँ से दो बंदे और आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से ऊपर जाके हीलिंग करने जाता हूँ, पर तभी ये लोग मेरे ऊपर रश कर देते हैं। और इसी के साथ इन बंदों को भी यहाँ पे खेल खत्म कर देता हूँ। अभी मैं आया था पोचिंग की रिकॉल पे और यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्क्वाड रिकॉल हो गया जाती है। और भाई अभी देखना यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। अब यहाँ पे मैं काफी लो चुका था, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं नीचे आके हीलिंग करता हूँ, और जैसे ही मेरी हीलिंग कंप्लीट होती है उसके बाद मैं लास्ट वाले बंदे पे भी रश कर देता हूँ। तो भाई अपनी अगली फाइट होने वाली है स्कूल की, और भाई यहाँ पे ना तुम्हारे भाई की लगातार दो दो टीम्स के साथ फाइट होने वाली है, तो अभी फाइट इंजॉय करो। जैसे इन तीनों को मारता हूं यहां पर एक और स्क्वाड आके थर्ड पार्टी कर देती है। ओए पीछे से आवाज का पीछे उतर गया क्या भैया? क्या बंदा मार दिया भाई, मार एक और आ रहा है। चल 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 हाल का हाल का। अरे मौली कर दी इसने, इधर आ जल्दी आ। अब यहाँ पे लास्ट वाले बंदे के ऊपर भी मैं रश कर देता हूँ, और भाई जब मैं इस बंदे को मारूंगा ना भाई, इस बंदे का एक बार रिएक्शन देखना तुम। ये बंदा गलत है, इसके वो सीधे हेड लग रहे हैं। अभी मैं अपने टीममेट को रिकॉल करने के लिए कूदा था यहाँ पे प्रिजन के रिकॉल पे, पर यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वाड थी, तो सबसे पहले तो शेक के अंदर जाता हूँ। सामने एक बंदा स्पॉट हुआ, अब बाकी के तीन बंदे रिकॉल पे थे, तो फटाफट से अपनी फ्लाइंग कारपेट निकालता हूँ और सीधा बंदों पे रश कर देता हूँ। अभी जिस बंदे को नॉक किया था वो यहाँ पे रिवाइव हो जाता है, तो अभी थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। क्या मारा अब इन बंदों को मार के थोड़ी बहुत लूट वगैरह कर ही रहा था, पर तभी यहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाती है। अब इनका लास्ट वाला बंदा साइड वाले घर पे था, तो इस पर भी रश कर देते हैं। तो भाई अपनी अगली फाइट होने वाली है स्कूल अपार्टमेंट की, और भाई इस वाले मैच में ना भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हुई थी, क्योंकि भाई इसमें ना भाई बंदों ने भाई कसम खाई हुई थी कि भाई कुछ भी हो जाए पर इस BGMI पार्टनर वाले टाइटल वाले बंदे को मारना है। तो यहाँ पे तीन चार स्क्वाड आके मेरे ऊपर रश कर देती है।
अभी यहाँ पे मैं काफी लो चुका था, तो सबसे पहले तो ऊपर आके हीलिंग करता हूँ, और जैसे ही मेरी हीलिंग कंप्लीट होती है मैं सबसे पहले तो एक नेड बिन करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही स्क्वाड को मारता हूँ यहाँ पर एक और स्क्वाड आ जाती है मुझे मारने के लिए। जैसे इन दिनों को मारता हूं यहां पर एक और स्क्वाड आके मेरे ऊपर रश कर देती है, और भाई इस वाली टीम के साथ तो बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है तुम्हारे भाई की। अब यहां पे मैं हीलिंग तो कर लेता हूं, पर इतने में जिस बंदे को मैंने नॉक किया था वो यहां पे रिवाइव हो जाता है, तो अभी वापस से 1v4 की सिचुएशन हो जाती है। जैसे इन तीनों को मारता हूं यहां पर दो बंदे और आ जाते हैं, और भाई इन दोनों को देखना लो एचपी पे तुम्हारा भाई कैसे मारेगा। और भाई कमेंट करके बताओ कि रिफ्लेक्स तुम लोगों को कैसा लगा। अभी कैसे मैं यहां पे सोलो से स्क्वाड खेल रहा था मीरामार में, और भाई यहां पर ना मेरे ऊपर पूरी की पूरी स्क्वाड आके रश कर देती है। अभी जिस बंदे को नॉक किया था उसको रिवाइव मिल रहा था, तो फटाफट से जाता हूँ और बंदे पे रश कर देता हूँ। अभी जैसे ही यहाँ पे इन तीनों को मारता हूँ यहाँ पर एक और स्क्वाड आके मेरे ऊपर रश कर देती है, और इसी के साथ इन तीनों को तो यहाँ पे मैं गाड़ी से ही उतार देता हूँ। अभी गाइस इसके बाद मैं आ जाता हूँ स्कूल अपार्टमेंट में, और भाई यहाँ पर ऑलरेडी एक पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी हुई थी, तो भाई अभी देखना। अभी इसके बाद मैं अपने टीममेट को रिकॉल करने के लिए जाता हूं, पर तभी यहां पर पूरी की पूरी एक स्क्वाड आ जाती है और मेरे ऊपर रश कर देती है। I'm recalling a teammate. और भाई लकीली लास्ट वाले बंदे की गन रीलोड पे आ जाती है और मैं यहां पे बच जाता हूं। खैर अभी यहां पे अगली फाइट होने वाली है शेल्टर की, और यहां पे भाई तुम अपने भाई के ना डीपी के बर्स्ट देखना एक बार। मेरे पास हेलमेट भी नहीं है, वैसे डैमेज निकलेगा। अब यहाँ पे मैं इनके दो बंदे नॉक कर चुका था, तो अब टाइम था बंदों पे रश करने का। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे आके गाड़ी रोकता हूँ, और उसके बाद पोर्टल लगा के थोड़ा सा फ्लैंक मारता हूँ। तो अब बचे थे बाकी के दो बंदे, तो अब इनको पकड़ते हैं। अभी लास्ट बंदा शेक में था। अभी यहाँ पे बंदे मेरे टीममेट को मार देते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्मोक करके अपने टीममेट को रिकॉल करता हूँ, पर तभी बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। अबे आ गया। एक रिकॉल कर रहा है इनका। अभी एक बंदा सामने रिकॉल कर रहा था। अब बचा था इनका लास्ट बंदा, और भाई लास्ट वाले बंदे के साथ तो यहां पे गलत सीन होने वाला है, अभी देखना।
भाई कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को ये वाला नॉक कैसा लगा। खैर अभी चलते हैं अपने अगले क्लच पे। अभी यहाँ पे मैं सोलो से स्क्वाड खेल रहा था और मुझे अकेला देख के यहाँ पर ये लोग मेरे ऊपर अंधा रश करते हैं, तो अभी देखना दोबारा भाई इनको कैसे पेलता है। अभी बचा था इनका लास्ट बंदा जो कि बाहर था, तो सबसे पहले तो मैं एक डांसिंग नेट करता हूँ। और भाई मुझे कमेंट करके बताना कि ये न्यू अपडेट तुम लोगों को कैसा लगा। अब पर्सनली भाई मुझे तो ये अपडेट ठीक ठाक लगा, बस इसमें एक कमी है और वो ये है कि भाई इसमें ना ऑटो रिकॉल नहीं मिलता और यार सोलो से स्क्वाड खेलते समय ना बहुत दिक्कत होती है। अब आता है इनका लास्ट बंदा अपने टीममेट्स का बदला लेने के लिए। अब ये लोग अपना बदला लेने के लिए वापस आते हैं रिकॉल होके, तो अभी देखना। भाई जॉर्ज पूल में बंदों ने फ्लेयर चलाई होती है, तो मैं बंदों की फ्लेयर लूटने के लिए यहीं पे लैंड हो जाता हूं। और भाई और इसी के साथ इन बंदों को भी यहाँ पे खेल खत्म कर देता हूँ बिकॉज़ इसके बाद मैं रिकॉल होकर आ जाता हूँ रोजोक में। और भाई यहाँ पर ना अचानक से पूरी की पूरी एक स्क्वाड आके मेरे ऊपर रश कर देती है। अरे कैसा अब यहाँ पे भाई के टीममेट्स आ जाते हैं भाई को बचाने के लिए। थैंक्स। और इसी के साथ भाई के टीममेट्स का भी यहाँ पे खेल खत्म कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर एक स्क्वाड थी। अरे नूब नंबर 3। अब यहाँ पे ये लोग वापस आते हैं अपना बदला लेने के लिए। अभी बाकी के दो बंदे भी रश कर देते हैं। निकल गए। चल 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 चल।
और भाई एक बार इस वाले क्लच की इंटेंसिटी एंजॉय करो। अब यहाँ पे दो बंदे में मार चुका था, अब बचे थे बाकी के दो बंदे, तो मैं बगी लेके बंदों पे रश कर देता हूँ। और भाई एक बार ये वाला स्प्रे देखो, यहाँ पे फटाफट से हीलिंग करता हूँ और उसके बाद लास्ट वाले पे भी रश कर देते हैं। अबे कहाँ से मार दिया? भाई लास्ट वाले बंदे ने तो पक्का रिपोर्ट किया होगा मुझे। सो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।